सब्सक्राइब कीजिए रॉयल राजपूताना किचन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि लेटेस्ट रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विजय सिंह और आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट्स की बर्फी। पीनट्स की बर्फी बनेगी बिल्कुल स्वादिष्ट और एकदम बहुत ही सॉफ्ट, और आप इसे देखकर ऐसा नहीं कह सकती कि ये पीनट्स की बर्फी है, एकदम ऐसी लगती है जैसे मावे की बर्फी है। तो अगर रेसिपी पसंद आई और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना अवश्य मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पीनट्स की बर्फी बनाना। पीनट्स की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिए 150 ग्राम रोस्टेड पीनट। मूंगफली को मैंने छील के सेक लिया और उसका छिलका उतार दिया। फिर मैंने लिए 100 ग्राम शुगर और ये मैंने लिया है 4 हरी इलायची, छोटी इलायची है जिसको मैंने छील लिया है। इसको हम कूटेंगे, चाशनी में हम इसको डालेंगे। और ये मैंने थोड़ा दूध लिया है, चाशनी को हम इस दूध की सहायता से साफ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं अब सबसे पहले ये हमारी पीनट्स है इसको हम एक जार में निकाल लेंगे और इसको हम पीसेंगे। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट हमारी पीनट्स की बर्फी बनती है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो हमने इसको पीस लिया है और ये देखिए हमारी मूंगफली जो है पीस चुकी है और एकदम दरदरी हमें पीसना है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका दाना दाना अलग अलग दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया हमारी पीनट्स पीस चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है नॉन स्टिक पैन और मैंने इसमें ऐड किया है आधा कटोरी पानी। हमने एक कटोरी चीनी ली है तो हम इसमें आधा कटोरी पानी ऐड कर देंगे। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फ्लेम में मीडियम ही रखना है, और फिर मैंने इसमें ऐड कर दी है हमारी चीनी। और हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो ये देखिए हमारी चाशनी में अब उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। आप अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारी चाशनी जो है बिल्कुल साफ बन जाएगी और इसका कचरा जो है अलग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कचरा चाशनी का ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत सी रेसिपियाँ मैं बना चुका हूँ और रेसिपियाँ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगी, ज़रूर उन वीडियोज को देखें। तो अब हम इस देखिए इसका जो ऊपर का जो कचरा है उसको हम बाहर निकाल देंगे और हमारी चाशनी एकदम बिल्कुल साफ बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल मावे की जैसी बर्फी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी चाशनी में एक तार बन चुका है। तो हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसको वापस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो हमने इलायची थी उसको पीस लिया है और मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम मिला दिए हैं, हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हमारी जो मूंगफली हमने पीसी है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सबको मिक्स कर देंगे। दोस्तों राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपियाँ भी मैंने डाल चुकी हैं, प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करते रहें। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए करीब 5 मिनट के बाद हमारा मिश्रण ऐसा हो चुका है। तो हम इसको जमने की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इसकी गोली टाइप बन गई है। तो हमारी ये बर्फी जो है जमने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब मैंने एक थाल ले लिया जिसके मैं ऊपर मैं घी लगा दिया है। आप अगर आपके पास ट्रे हो तो आप उसमें भी इसको जमा सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो मैंने एक चम्मच लिया उसके ऊपर मैंने घी लगा लिया ताकि हमारी जो चम्मच है इसके ऊपर चिपके ना। अब हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। बर्फी की थिकनेस जैसी होती है उसी थिकनेस में हमें इसको जमाना है। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से जमा लिया है। अब हम इस पर थोड़ी बादाम की कतरन है और ये पिस्ता है, इस पर हम इससे गार्निशिंग कर देंगे। तो एक तरफ हम डालेंगे बादाम की कतरन और दूसरी तरफ हम पिस्ता डाल देंगे।
तो ये देखिए मैंने एक तरफ पिस्ता डाल दिया है, दूसरी तरफ बादाम की कतरन। तो इस तरह हमारी दो ड्राई फ्रूट्स की बर्फी तैयार हो जाएगी। तो मैंने एक कटोरी ले ली है और इसको मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट से इसको दबा देंगे ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएं। और अब हम इसको अपने मनपसंद की साइज़ में काट लेंगे। तो मैं इसके ज़्यादा बड़े नहीं तो ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के पीस काट रहा हूँ। देखिए क्या लुकिंग आई है हमारी बर्फ़ी की, एकदम जैसे मावे की बर्फ़ी बनने बनाई है वैसी हमारी बर्फ़ी तैयार दिख रही है। और ये देखिए मैं इसको अब सर्व कर रहा हूँ। तो मैंने इसको तुरंत हटा दिया है, मैंने इसको जमने के लिए थोड़े से भी समय नहीं रखा है, तुरंत मैंने इसको काटा और तुरंत मैं इसकी प्लेटिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया और मूंगफली की स्वादिष्ट एवं शुद्ध बर्फी तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।